नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुजरात में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 19 जिलों में पड़ने वाली इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। पीएम मोदी भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं ताकि गुजरात में फिर से कमल खिल सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। यहाँ की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य के 19 जिलों में फैली हुई इन सीटों पर कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। गौरतलब है कि गुजरात के पहले चरण के चुनाव के दौरान देश मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी रहा। मोदी ने गुजरात विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अपनी खूबियां गिनवा रही है। कांग्रेस और आप लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात के सर्वांगीण विकास और शून्य तुष्टिकरण नीति को लागू किए जाने के कदम को पिछले 27 वर्षों में लोगों द्वारा बार बार बीजेपी पर विश्वास जताने का मुख्य कारण बता रही है। तो वही बीजेपी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 2017 के चुनाव में बीजेपी को ही जीत मिली थी। गुजरात में चुनाव लड़ रही पार्टियों के जहां एक या दो स्टार प्रचारक ही मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से पीएम या गृह मंत्री ही नहीं 6-8 दर्जन बड़े नेता मैदान में उतरे हैं, जिसमें मोदी फैक्टर पूरी तरह से हावी है। जाहिर है गुजरात में प्रचार में तो कम से कम बीजेपी के सामने कोई दूसरा दल नहीं दिख रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। अब ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी की दस्तक के बीच गुजरात में बीजेपी अभूतपूर्व जीत दर्ज करेगी। खैर 8 दिसंबर को नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।